ये है बारात जाने का रास्ता। आ रहे थे यहाँ विश्वजीत राणा का शादी कर दिया गया जबरदस्ती बहन के गाड़ी देखे समझाए पर क्या करें, वहाँ शादी करा दिया गया। रात का मौसम देखिए, रात का मौसम 2 बजे रात में यहाँ पे टेम्पो की सवारी, ये रात में देखिए यहाँ पे हम चाय पे बैठे हुए हैं। नीचे देखा जाए तो कोई भरा हुआ भरा पड़ा है और ये बाराती सब खाली सरेंडर कर दिया। हम वीडियो बनाने के चलते आप लोगों को YouTube पर डालने के चलते हम ये वीडियो बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे एक पुलाई पर यानी कि देखिए जा रहे हैं ऊपर की ओर अंधाधुन रात्रि के रात में 12 से 2 बज रहे हैं और कोई सुन सपटा गाड़ी सब कोई कोई नज़र आ रहे हैं। भले ही रहे रास्ता झंडा चलता हो, यहाँ पे देखिए टेम्पो की हादसा बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पे लग रहा है जैसे कि पहिया खुल गया है, देखिए क्या हुआ होगा बराबर का। ये आप लोगों को शायद इतना चलेगा और ये बहुत ही खतरनाक पुला माना जाता है। वहीं पे आपको ये हादसा दिखाए थे, शायद बहुत बड़ा हादसा हुआ है, किसी की जान भी गई होगी पर हॉस्पिटल शायद गया होगा। ये टेनी पुल के नामों से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये दरभंगा से BMP की और रास्ता जाने वाले BMP से आगे वाले हैं, आगे आते हैं वहीं पे। ये पूरा सुनसान इलाका और इसके ऊपर हम जंप के ऊपर हम और ये हमारे साथ छोटा भाई उज्जवल पांडे। यही यही अपना आ जावा और YouTube पे डालेंगे वहाँ जल्दी से जल्दी जितना लाइक हो सब्सक्राइब हो मिलना चाहिए, फेसबुक से सब पे जाएगा। ये देखिए लाजवाब गर्दी से रात के और ये स्पार का जूता ऐसा कहाँ गया, ये आठ आठ अपना भी लुकिंग स्मार्ट। ये देखिए आप कितना मिनट में पहुँचते हैं यहाँ, यहाँ से जाने इधर पगर सामा जा रही है गाड़ी और ये टेम्पो वाला जो है ये 2-3 आदमी लिए और सीधे रवाना हो गए हैं बारात से। लेंचा कहाँ नीचे ना। और ये शायद सही से रास्ता नहीं आ रही है और जो टेम्पो का हादसा हुआ था शायद लग रहा है 2-3 आदमी की मौत जरूर हुई होगी क्योंकि लाजवाब टेम्पो का लग रहा है चक्का खुल गया था, उसी कारण कुछ अच्छा नहीं लगा। और ये अपना पैरों का इशारा, ये अच्छी संकेत नहीं है, यानी खतरों से खेल रहे हैं ये लड़का। पुलिस का इशारा कर रहे हैं और पुलिस वुलिस शायद नहीं पहुंचा मौके पर हम इसे क्या कर सकते हैं, अपना तो गया पुलिस का शायद आया होगा पुलिस, मगर एरिया है यहाँ पुलिस का एरिया, ये BMP रास्ता शायद इनका कोई ठीक नहीं है, ये किधर से जाए किधर से ना जाए। शायद BMP की रोड साथ ही बहुत ही खतरनाक माना जाता है मगर शायद BMP की ओर से जा रहे हैं सीधे गंज की ओर और ये गंज का रास्ता देखिए यहाँ पे पुलिस सब तैनात है। शायद इसी सिलसिला में बनिया से ये देखिए अच्छी अच्छी संकेत, ये रात में भी ड्यूटी करते हैं लाजवाब। ये ड्यूटी का अड्डा यानी कि BMP का अड्डा, शायद आप लोग को नीचे सही से रोड रास्ता नहीं आ रही है नज़र, धुंधला अंधेली रात अंधेली कोठरी रात और निकले हम दो मुसाफिर। शायद ये BMP का आ गया है, ये बिहार सैन्य पुलिस 13वीं विधानसभा वाहिनी और ये टायर पंचर यहाँ बनता हुआ, अगर किसी का पंचर हो जाए तो इनसे मिलिए तुरंत हाथों हाथ बना देते हैं और फिर अपना जलवा गिरता हुआ। बहुत दिन हो गया था वीडियो वीडियो डाले हुए ना, यानी कि वीडियो नहीं डाल देते हो और एक बार सोचे कि भाई डाल देते हो, अपना यादगार रहने वाला है। इधर का
लमचा लमचा लेके घूम रहे थे हम सब कहीं बीच में कुछ लफड़ा उफड़ा और ये अच्छी संगीत नहीं आ और ये लमचा हाथों में लमचा अच्छी हाँ क्या है अच्छी अच्छी सोच लेके निकले जब भी निकले घर से लेके और ये इनका आगे होता है ये भी करता हुआ गर्दन में लगा के क्योंकि और ये अच्छी अच्छी सोच है और ये शायद हम गंज पहुँच गए गए थे चचा कलर का साथी था उसमें गए थे विश्वजीत राना क्योंकि लड़की भी थी क्या होता है फिर भी मज़ा आया देख के पर उसका नाम जो था ना मरवा पे उसका नाम रोहित रख दिया था और यहाँ पे उज्जवल पांडे के साथ कमेंट्री में भिड़ रही है फिलहाल अपना ब्रेकआउट यानी कि ब्रेक उसके बाद उज्जवल पांडे यहाँ पे अपना कमेंट्री दिखाएंगे और ये बताएंगे कुछ इसके बारे में उज्जवल पांडे क्या बताइए आप इसके बारे में क्या होगा हाँ मेरे तरफ से कहा जाता है शायद उसको जो विश्वजीत राणा के साली सब लगेंगे ना उसको शायद विश्वजीत राणा का स्पेलिंग नहीं आता हो इसलिए लगता है रोहित के नाम से जाना जाता है उसे फिर भी क्या बताएं अगुआ था मोहन जोशी वो जो ना करे मोहन जोशी के बारे में क्या कहना चाहते आप मोहन जोशी के बारे में कहे तो सारा एक तरह का पागल ही समझे उसे जबरदस्ती जाने की शादी करा जबरदस्ती साला शादी करा दिया उसका उसने कुछ एज नहीं था अभी ये जमीन नहीं था हमारे इसके बारे में आप क्या सकते हैं अगर इसके बारे में अगर ये कुछ रह सकता था कैमरा में अगर जैसे कि बताया कि अगर 5-6 साल अभी चल सकता था लड़का का जो शादी हो गया गंज बाजार पहुंच गए यानी कि अब शादी जो करा दिया गया अब ये झेलेंगे अपनी पत्नी को और उसका बाबूजी जी का वो भी साला खा जाता पकड़ के शादी करा दिया जैसे एक लड़के किसी को दबोच के शादी करा दिया जाता पकड़ के जहाँ तहाँ भाई तुम शादी कर लो तुम कहीं किसी सेटिंग में कर लो ये सब सोच ये अच्छी सोच नहीं थी और उनसे जल्दबाजी में शादी कराया गया ये पुलिस का गाड़ी जा रहा है देखिए पुलिस बढ़िया से चौकन्ने है देखिए पुलिस का गाड़ी आप देख सकते हैं सामने एकदम जा रहा है एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक हुआ है जो कि हम आप लोगों को वीडियो में दिखाए थे लाइव वीडियो में और वीडियो दिखाए भी थे और सबसे अच्छा वीडियो भी बना था मेरा पिछला भी वीडियो ये थे उज्जवल पांडे कटिंग द ड्रेंज वो भी देखिएगा अच्छा था शायद उसमें एक बच्चे का सर पे लग गया था सीरियसली और उसमें आवाज़ भी आया था बहुत हैवी आवाज़ आया था फिर उज्जवल पांडे ने जगह बचाने के लिए उसके बाद जो हुआ सर उसमें कमेंट्री में बताया हूँ और अच्छी रिमिक्स भी सेट किया हूँ और आप लोगों की कृपा शायद अच्छी से अच्छी की कर सकूँ अगली बार और देखिए आप ये उज्जवल पांडे कुछ आप बताना चाहेंगे रास्ता कैसा है फिलहाल कितने मिनट में पहुँचेंगे घर इस सब के बारे में बाबा अभी मीरवाकाशी के पास पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में नाग मंदिर है सामने और थोड़ी देर लगभग 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे लंबा सफ़र कुछ खास नहीं बस 12 किलोमीटर का लंबा सफ़र कुछ खास नहीं होता है और अब कितना मिनट लग सकता है उज्जवल पांडे यहाँ से घर जाने में यहाँ से बस 10 मिनट बहुत हो गया है यहाँ पे और ये ट्रांसफार्मर देख सकते हैं पुल के साथ नीचे विकेट दिया गया है यहाँ पर ट्रांसफार्मर चेंज हुआ था और ये गिट्टी सब शायद कैसे न कैसे टेम्पू का बहुत बड़ा हादसा आज का यानी कि लगभग 1 घंटे पहले हुआ होगा और ये बहुत खतरनाक हो सकता है और बताइए उज्जवल इस सब के बारे में मेरी तरफ से निर्णय ले जाए तो टेम्पू का जो हादसा हुआ लगभग उसमें से मौत तो किसी की नहीं आनी चाहिए बस हॉस्पिटलाइज हो सकता है लेकिन जिस तरह से बात करें तो टेम्पू का घटना हुआ लग रहा था काफ़ी तेज आई और शायद एक टक्कर हो गई किसी गाड़ी के आमने सामने शायद फिलहाल कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे तो ये भी नहीं अंदाज़ा लगा सकता है शायद टायर भी खुल गया हो या फट गया हो और उससे भी हो सकता है ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वही हो सकता है इसके बारे में कुछ बताइए ये तो हो सकता है बट किसी की टक्कर हो और सामने वाला गाड़ी निकल अगर
टक्कर होना ये बड़ी बात नहीं है, फिर भी अगर लिया जाए तो टक्कर तो नहीं हो सकती है। टक्कर क्योंकि इसका टायर भी फटा होगा ना, तभी तो उसमें टायर नहीं लगा हुआ था ना, ये बड़ी बात है। उसका अगर टायर लगा रहता तो समझते कि हाँ भाई हो गया होगा। चलिए हम घर पहुंच गए, उतरने वाले हैं।